बोला भाई आप आ रहे हो। हाँ बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कॉमेडी। अनिल कपूर का, अनिल कपूर का एक्टिंग था सबको मालूम ही है, वो अच्छा करते हैं। जॉन भी अच्छा था और सारे तीनों हीरोइंस बहुत प्यारे लग रहे थे मूवी में और कॉमेडी अच्छी थी। हाँ गाने भी अच्छे हैं मूवी के, डायलॉग्स या कॉमेडी जो पंच लाइन्स थे उनके, जो एक्शन कर रहे थे पंच लाइन, वो सब अच्छे थे। स्टार लाइक स्टार मैं क्या बोलूँ, स्टार मैं स्टार का कुछ बोल नहीं सकता। आप मूवी देखो, एंजॉय करो। सबसे बेस्ट था जॉन अब्राहम के जो डायलॉग है, बेस्ट है यार। और ये फैमिली मूवी है, इसको सब बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ एडल्ट सीन नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे पागलपंती दिखाई है, सबसे ज्यादा पागलपंती अरशद वाशी की है। सुपर मूवी है। उसके बाद जॉन अब्राहम की क्या बॉडी है यार, और उर्वशी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने तो अपनी फ्लैशबैक मूवी दी, याद दिला दी, जो कौन सी मूवी थी यार, वेलकम वेलकम वेलकम, और नहीं वो लखन पाजी का रोल दिखाया उन्होंने, एक नंबर दिखाया, ट्रू इंडियन जिसे कहते हैं। पुलकित सर ने भी अच्छा ही किया है, बट लाइक उनका इतना कुछ खास नहीं था, बट उन्होंने भी ठीक ही किया है। बट जो मेन किरदार था वो था जॉन अब्राहम और अरशद वाशी, अनिल कपूर सर और सौरभ शुक्ला सब, ऑसम। गाने तो कुछ खास नहीं थे, बस खाली हुई था वो तेरा बेमान मेरा दिल, बेस्ट था यार, बेस्ट। आप भी जाके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है, फुल पागलपंती है, फुल एक नंबर मूवी है। जाओ पागलपंती देखो, यू शुड वॉच। मूवी एक नंबर है, बहुत अच्छी है, पागलपंती में है दम, और सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। उर्वशी मैडम और वाईफाई भाई सब ने अच्छा किया है, और हम 5 out of 5 देते हैं। पैसा वसूल मूवी है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वाईफाई भाई का रोल बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। यस यस उन्होंने भी अच्छा किया, यस यस मैम। हाँ गाने भी पसंद है, मूवी में कॉमेडी भी है, अच्छी एक्टिंग भी है, सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है। सबसे ज्यादा मैम वाईफाई भाई और उर्वशी मैडम का काम अच्छा लगा, अलग अलग होता है, बहुत बढ़िया मूवी है। पूरी मूवी में हंसी है, कहीं पे बोरिंग नहीं है। फाइव पूछने था पहले, पागलपंती मूवी ने पूरा पागल कर दिया हमें, और इट वॉज रियली गुड, बहुत बढ़िया। गाने भी बहुत ज़बरदस्त थे, बीमार दिल का जो गाना एकदम से ट्विस्ट में आया, हॉरर सीन है उनका उर्वशी मैम का, और बहुत बढ़िया उर्वशी के तरह का काम लगा। और वाईफाई भाई का डायलॉग तो जो भाई साहब बहुत ब्रिलियंट थे, इट वॉज रियली एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है। पागलपंती मतलब लाइक बहुत फुल पागलपंती है, बहुत दिनों बाद क्लीन मूवी है ये। हाँ पूरी फैमिली के साथ, विद फैमिली एंजॉय कर सकते हैं, विद फैमिली देख सकते हैं, बोर नहीं होंगे वाईफाई से लेकर, और एकदम से फोन से लेकर, और बिल्लू हो सब, या मतलब एवरीथिंग। बेस्ट पार्ट जब हॉरर स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा एकदम से क्रेजी फन सा स्टार्ट हुआ, बीमार दिल वहाँ पे आया, मतलब इंटरटेनिंग लगता है, तो थोड़ा अलग से लगा हमें कि हाँ भाई वो कि हॉरर सीन भी डाल दिया कॉमेडी के बीच में, बहुत हॉरर कॉमेडी भी थी, और कुछ बहुत टाइमिंग बहुत बढ़िया। अरशद भाई का, अरशद भाई और वाईफाई भाई, अरशद भाई वाईफाई भाई, अनिल कपूर बहुत बढ़िया किया, और हीरोइन में, हीरोइनों में उर्वशी रौतेला ने बहुत बढ़िया काम किया, उनका डांस और वो बहुत हॉट लग रही थी, बहुत हॉट लग रही थी उर्वशी में, और कीर्ति और उनका इलियाना का भी बहुत अच्छा काम रहा। बस जॉन तो अपने जॉन तो जॉन है, बहुत बढ़िया, वो तो बॉडी बिल्डर में फिट। कॉमेडी टाइमिंग सबसे ज्यादा अरशद वारसी का चला, अरशद वारसी और अनिल कपूर का। स्टोरी मतलब कि देखने लायक है, कहने का मतलब ये है कि आप जाओगे तो एंजॉयमेंट मूवी है, पैसा वसूल है, पैसा वसूल फिल्म में, बहुत एंटरटेनिंग है। थैंक यू सो मच। 5 out of 4.5 सुपर है।
तीने एकदम पागल कर डाला, मतलब बहुत एंजॉयिंग मूवी है, बहुत सुपर एंटरटेनिंग है और बहुत लाफ्टर राइट मूवी। स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी में दिखाया गया है क्या जो मतलब मानते हैं कि अनलकी अनलकी वैसा कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा काम अच्छा है तो तुम हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं और अच्छे काम कर सकते। सबसे ज़्यादा काम मुझे जॉन से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन जॉन ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की और कॉमेडी मूवी थी तो ऑफकोर्स सौरभ शुक्ला, अनिल कपूर और अर्षद वारसी बहुत ऊपर के आए बाहर, और पुलकित सम्राट ने भी काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की और एक्ट्रेस लोग ने भी सब ने अच्छा काम किया है। मुझे कीर्ति करबंडा का काम बहुत अच्छा लगा है। सॉन्ग सब अच्छे हैं, सब सुनने लायक है, कभी भी तुम सुन सकते हो, अच्छे गाने हैं। यस, टाइटल एकदम परफेक्टली सूट करता है मूवी को, क्योंकि पिक्चर में दिखाया है ओवरऑल पागलपंती ही दिखाई है तो पिक्चर बहुत टाइटल एकदम सूट होता है। इंटरवल के पहले फर्स्ट हाफ एंटरटेनिंग था और सेकेंड हाफ सुपर सुपर एंटरटेनिंग था। 4.5। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी, मैं खुद भी पागल हो गई हूँ ये देख के, इतनी अच्छी लगी, ए वेरी एंटरटेनिंग मूवी। और आई सजेस्ट कि हाँ फैमिली सबको देखना चाहिए, मतलब इट्स अ फैमिली मूवी। और उर्वशी रौतेला की मुझे एंट्री बहुत, शी वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, उसकी डांस एंड क्या कहते हैं फाइट सीन्स भी थे उसके लास्ट में, सो हाँ इट्स अ गुड मूवी ओवरऑल। गाने कितने पसंद आए आपको? मुझे ठुमका सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद बीमार दिल। सबसे ज़्यादा काम किसका पसंद आया? मुझे जॉन एब्राहम एंड उर्वशी। हाँ, अनिल कपूर का काम कैसा लगा? हाँ, अनिल कपूर, हाँ विलन वाइज बहुत अच्छा लगा। हाँ कृति उर्वशी का मुझे अच्छा लगा, मतलब शी वॉज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव तो मुझे कुछ अच्छा लगा इस मूवी में। और कृति का हाँ रोल के हिसाब से शी वॉज अ लिटिल स्टूपिड या डम कैरेक्टर का उसने प्ले किया तो इट वॉज वेरी नाइस, अच्छा रोल, अच्छा एक्टिंग किया है। बेस्ट पार्ट, वैसे मुझे एंटायर मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई भी सीन में मैं बोर हो गई, एक से एक सीन, मतलब इट वॉज इंट्रिगिंग द ऑडियंस, इट वॉजन लाइक दैट यू विल गेट बोर इन बिटवीन। हाँ पूरी दिख रही है सीरियसली, और वो मेन जॉन अब्राहम ही मेन है या बस। 4.5। अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, गो एंड वॉच इट, इट्स अ गुड मूवी ओवरऑल, इट्स अ गुड मूवी, एंटरटेनिंग थी। यस, स्टोरी थोड़ी मतलब इलॉजिकल स्टोरी थी, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अर्षद वारसी एंड अनिल कपूर वाज वेरी गुड। अनिल कपूर एंड अर्षद वारसी। एक्ट्रेस कृति वाज क्वाइट क्यूट, प्रीटी क्यूट थी, उनका कैरेक्टर बहुत क्यूट सा था, इनोसेंट सा, सो प्रीटी वाज क्यूट। सॉन्ग उतने ज़्यादा कैची नहीं थे, ऑलमोस्ट सब रिक्रिएटेड है, तो जो तेरा बीमान आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग इट वाज क्वाइट ओके। I just said तेरा भी मान वो कुत्ता, so that was a good song. ठीक था मतलब it was okay, मतलब entertaining movie है definitely, just because of actors अच्छे हैं वहाँ पे, but overall story अगर थोड़ी और ज़्यादा दमदार होती तो बहुत अच्छा होता होता था। पागलपंती है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पागलपंती है, एंड में भी बहुत पागलपंती है, बीच में चल रही है स्टोरी, बट स्टार्टिंग एंड इट वॉज गुड। 3.5। हाँ जी, सवाल कीजिए। आगे लोटपोट कर देती है और इतना मतलब फिल्म देखते हो मज़ा आता है, इतना आनंद आता है कि मैं बहुत सालों के बाद मैं आज हंसा हूँ इस फिल्म के अंदर, जितनी हाउसफुल में मैं रोया हूँ उतने ज़्यादा इसमें हंसा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये इस फिल्म की, ये फिल्म बनी है नीरव मोदी के ऊपर, देखा जाए तो जो नीरव मोदी अपना देश का कितना हजार करोड़ रुपया लेके भाग गया है तो उसको इस फिल्म के अंदर लाया गया है और मेन वही है इसका सेंट्रल कैरेक्टर नीरव मोदी। सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरे को सौरभ शुक्ला जो जीजाजी का रोल किया, और सेकंड अनिल कपूर, और बाकी तो जान इब्राहिम, आपका अर्षद वारसी, पुनीत और तीनों लड़कियां सब ने बहुत बढ़िया काम किया है और सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और ये फिल्म बहुत पूरी टोटली फैमिली पिक्चर है और बच्चों के साथ में पिक्चर को देखना चाहिए, अधिक से अधिक लोग इस पिक्चर को देखे, इंटरटेन करें और इस फिल्म में आपका डबल पैसा वसूल होगा। गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सभी गाने अच्छे लगे, बीमार मेरा दिल ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, उसी का तो है ना बीमार मेरा दिल, हम तो बीमार हो गए उसकी देख के, वो बीमार मेरा दिल ने हमको बीमार कर दिया।
बाकी ये फिल्म बहुत अच्छी है। अरे वो तो ऐसी लगती है कि पकड़ लो मक्खन बिल्कुल 5 में से 5। बिल्कुल पागलपंती, इसने बिल्कुल अपने आप को मतलब साबित किया है कि ये रियल में पागलपंती है। हाँ, परफॉर्मेंस अरशद वारसी, अनिल कपूर, सौरभ शुक्ला, अच्छा काम किया उन्होंने। जॉन अच्छा एक्टर है, आई थिंक अभी कॉमेडी में और थोड़ा बहुत करना चाहिए। और एक्ट्रेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ठीक हैं, स्वीट हैं, अच्छी हैं, बराबर ही है, नॉर्मल ही है, क्या अच्छा बुरा इसमें आई थिंक एक्ट्रेस का क्या बोले। लेकिन जो मुद्दे पे आते हैं, अब जो स्क्रिप्ट है, अनीस बजमी जी को स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए था। हाउसफुल है, हाउसफुल 2 थी, वेलकम बैक थी, वेलकम थी, नो एंट्री, इस तरह के बहुत सब्जेक्ट आ चुके, मैं तेरा हीरो, वरुण, तो ये सब चीज़ें बहुत देख चुकी पब्लिक, कुछ हटके करना चाहिए। दूसरी बात, आप पिक्चर में गलत मैसेज दे रहे हो कि हीरो हीरोइन को बहन बोल रहा है, वो बहन से ही प्यार कर रहा है। अरे भाई ये हिंदू धर्म है, आप बहन से ही प्यार करोगे, एंटरटेनमेंट है तो है। कुछ सीन अच्छे हैं, आप हंस लोगे, लेकिन आगे फिर कई चीज़ें ऐसी भी है, रोना भी पड़ सकता है, मतलब कि सोचोगे भी ये क्यों आए, क्या दिखा रखा है, ये पिक्चर खत्म होने वाली होती है फिर स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बंदा विलेन बन के आ जाता है एंड में जिसकी साली कोई औकात ही नहीं। नो कमेंट। 2। पागलपंती मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि सेम कॉमेडी जो आप वेलकम में दिखा रहे हो, वेलकम बैक में दिखा रहे हो, मतलब कुछ खास मुझे मूवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और गाने भी म्यूजिकली मैं बताऊं कि पुराने गाने उठाए हैं, तेरा बीमार मेरा दिल उसको थोड़ा मॉडुलेशन करके डाल दिया है, और तुम पर हमें अटके आ रहा वो भी पुराना ही है, लेकिन इसमें एक गाना है वल्ला वल्ला, जैसा एक गाना था वो आया था अफगान जलेबी, तो इसमें एक गाना है वैसा ही अरबिक टाइप का है वल्ला वल्ला माशाल्लाह, तो वो गाना मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। वहरे मलंग तेरा नाम हो गया, चर्चा तेरा सरेआम हो गया, वल्ला वल्ला माशा अल्लाह तू नूरानी, वल्ला वल्ला। दैट वाज ऑसम सॉन्ग। सबसे ज़्यादा मुझे अरशद वारसी। जॉन और अनिल कपूर का काम कैसा लगा? नहीं, कुछ एक्सप्रेशंस नहीं थे वैसे जॉन के, लेकिन जॉन बहुत स्मार्ट दिख रहे थे। बाकी मूवी आउट ऑफ 5 में मूवी को 1 देना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो पूरा बोरिंग ही था, सेकंड में थोड़ा बहुत दिखाया कॉमेडी, लेकिन सेम जैसे पुरानी मूवी जितनी भी आई है अभी तक, तो कुछ डिफरेंट मुझे नहीं लगा। सिर्फ मुझे इस मूवी में सिर्फ ये एक ही गाना अच्छा लगा, वल्ला वल्ला। तो एक्चुअली ये नए कुछ म्यूज़िक कंपोजर्स आए हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत ज़रा टैलेंट है, तो अगर नए नए टैलेंट्स को चांस दे देंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और कुछ? ओके, थैंक यू।